हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस टॉपिक इज नॉट इंक्लूडेड इन द सीबीएसई सिलेबस, बट आफ्टर दैट वी आर डूइंग दिस टॉपिक। सो इन केस ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इट इज गिवन व्हेन वन एलिमेंट विद अ फिक्स मास कंबाइंड विद टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली, द रेशियो इन विच दे डू सो will be same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other. तो डेफिनेशन को समझना है थोड़ा और क्लियरली हम कर लेते हैं। हमने कहा when one element with fixed mass. So in this case, जो example हमने लिया यहां पर hydrogen को हमने मान लिया that hydrogen is of fixed mass. तो fixed mass भी हम देखेंगे किस तरह से है। When one element with fixed mass combine with two different elements, दो अलग अलग elements के साथ उसने combine करने, तो hydrogen ने sulfur के साथ combine किया for the formation of H2S, जबकि same hydrogen oxygen के साथ combine करता है for the formation of water. अब यहाँ hydrogen का fixed mass कैसे है? Formula is H2S, यहाँ देखो formula is H2O. तो यहाँ अगर बात करें H2, hydrogen 2 gram, और सल्फर के मास की अगर बात करें 32 ग्राम, तो हम ये कह सकते हैं दैट टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 32 पार्ट ऑफ सल्फर, जबकि इस केस में 2 ग्राम या टू पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर हाइड्रोजन का मास क्या है? फिक्स है। तो यहां क्लियर होना चाहिए व्हेन वन एलिमेंट विद फिक्स मास कंबाइन विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली। आगे उसने कहा द रेशियो इन विच दे डू सो, जिस रेशियो के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो जिस रेशियो में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं वो इस रेशियो का क्या होगी? या तो सेम होगी या फिर कुछ ना कुछ मल्टीपल होगी। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पर H2S वर्सेस H2, ठीक है, H2O रेशियो, H2S रेशियो H2O हमने यहां पर चूज कर लिया। तो हाइड्रोजन का मास तो यहां फिक्स है, इसका मतलब जो रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज बिटवीन द सल्फर एंड द ऑक्सीजन। तो सल्फर की बात करें तो इसका 32 पार्ट हमारे पास है, जबकि ऑक्सीजन का हमारे पास 16 पार्ट। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास आएगा दैट रेशियो विल बी 2:1। तो 2:1 वो रेशियो है जिसके अंदर सल्फर या ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं। साथ ही साथ उसने ये कहा इन विच दे डू सो विल बी सेम, इसका मतलब जो ये रेशियो आई है वो सेम भी हो सकती है और कुछ मल्टीपल भी हो सकती है। इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें यहां पर, तो सल्फर 32 है जबकि ऑक्सीजन यहां पर 32 है। सो सिंपलेस्ट रेशियो वी आर गेटिंग 1:1। अगर इन दोनों ही रेशियोज को हम कंपेयर कर लें, ठीक है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, तो कंपेयर रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम देख सकते हैं यहां इस रेशियो को हमने लिख लिया 2:1 जबकि इसको हमने लिखा 1:1। तो सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 2:1, ठीक है। सो विच आर सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे का क्या है? मल्टीपल है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का हमने किया, एक और हम यहां पर एग्जाम्पल लेके उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने चूज किया उसके अंदर हमने तीन एलिमेंट लिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस एग्जाम्पल में हमने यहां मेंशन कर दिया कि जो थर्ड एलिमेंट जिसका मास फिक्स है हमारे पास दैट इज कार्बन,
So carbon having fixed mass, and when it combine with hydrogen, it forms CH4. When carbon combine with oxygen, it forms CO2. तो देखो दोनों में कार्बन का मास फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन विच कम्बाइंस विद 4 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, जबकि यहाँ 12 पार्ट ऑफ कार्बन कम्बाइंड विद 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ कार्बन का मास फिक्स है. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, वन एलिमेंट कम्बाइंड विद फिक्स मास, वन एलिमेंट हैविंग फिक्स मास कम्बाइंड विद टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली, और जिस रेशियो में हमने कहा कि वो कंबाइन करता है, अब उस रेशियो को फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस रेशियो के अंदर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन करते हैं. तो सेम उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं जैसे लास्ट हमने किया. कार्बन का मास यहाँ फिक्स है, इसका मतलब जो रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन 4 पार्ट है, जबकि ऑक्सीजन के यहाँ पर 32 पार्ट प्रेजेंट है. So, simplest ratio की अगर बात करें, then this simplest ratio is 1:8. तो ध्यान से देखना इसको क्लियरली. ठीक है, तो हमने फर्स्ट केस में देख लिया कि जो रेशियो हमारे पास आती है दैट इज 1:8. अब बात कर लेते हैं जब वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं. सो वी हैव वॉटर, और वॉटर के अंदर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख लिया. सो हाइड्रोजन 1 पार्ट है, जबकि ऑक्सीजन H2 है, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, जबकि ऑक्सीजन का यहाँ पर हमारे पास 16 पार्ट है. तो जो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास आती है वो 1:8 हो गया. तो अगर यहाँ इस सेकेंड रेशियो को अगर हम कंबाइन करें या कंपेयर करें, सो इट इज 1:8. तो अगर सिंपलेस्ट हम देखना चाहें तो 1:1. तो इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल हमने किया था वहां हमने कहा था कि जो रेशियो है दैट इज मल्टीपल, लेकिन यहां अगर देखें देन रेशियो इज सेम. तो ये भी यही कहते हैं कि इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, वो सेम भी हो सकती है रेशियो या फिर मल्टीपल भी हो सकती है. ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स की हमने प्रैक्टिस करनी है सो दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड अबाउट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.